पहले पुरुष महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं और फिर मांग और माथे पर सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद करते हैं गरबा। है ना थोड़ा गरबा स्पेशल, इतना स्पेशल कि ऐसा आपने देखा सुना नहीं होगा। नवरात्रि चल रही है, आपने भी तरह तरह के गरबा कार्यक्रम देखे और सुने होंगे या उनमें हिस्सा लिया होगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पुरुष साड़ी पहनकर और मांग भरने के बाद गरबा करते हैं। अहमदाबाद के कोट विस्तार में ये अनोखी परंपरा नवरात्रि के 8वें दिन मनाई जाती है। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं और रात में गरबा खेलते हैं। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। जब अहमदाबाद पेशवा शासन के अधीन था, तब शासकों ने शहरवासियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए चाडियो नाम के एक जासूस का इस्तेमाल किया। जासूस ने तब बरोट समुदाय की एक लड़की सदवा हरिसंग को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। चाडियो ने शासक को प्रलोभन दिया कि वह इस महिला को अपने महल में लाए और महल की शोभा बढ़ाए। शासक सदवा से मुलाकात के लिए उत्सुक था। इसके बाद सिपाहियों को सदवा को ले जाने का आदेश दिया गया। हालांकि सदवा के पति हर सिंह ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ। ऐसी कथा है कि इस युद्ध के दौरान बारोट के कुछ लोगों ने साड़ी पहनकर अपनी सुरक्षा के लिए घर में शरण ली थी। चूंकि वो सदवा को बचाने में असमर्थ हो गए, इसलिए उन्होंने बारोट समाज को श्राप दिया। सदवा के निधन के बाद वहां एक मंदिर बनाया गया और इसका नाम सदु माता मंदिर रखा गया। यह अभिशाप बरोट समुदाय की आबादी में लगभग एक शताब्दी तक जारी रहा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए सदु माता को वचन दिया गया कि बरोट के पुरुष नवरात्रि पर सदु माता मंदिर के पास महिला के रूप में आए और गरबा खेलें। तभी से नवरात्र की 8वीं रात को बारोट समुदाय के पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर मंदिर के चौक में गरबा खेलते हैं। ये कहानी सच्ची है और बताया जाता है कि ऐसा ही हुआ था। कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। लोकल 18 के ऐसे और वीडियो देखने के लिए क्लिक करें लोकल 18 की प्लेलिस्ट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। अहमदाबाद के अंदर एक विस्तार है जिसे मोटा बाटवाड़ा कहते हैं। उस विस्तार के अंदर आज भी सती माता सदु माता का मंदिर है। वहाँ पर नवरात्रि की 8वीं को हम स्त्री के वस्त्र धारण करके गरबा गाते हैं। उसकी कथा ऐसी है कि साल सम्मत 1872 में जब अहमदाबाद में पेशवाई शासन था, उस समय नगरजनों की सब गुप्त माई थी, जो गुप्तचर देते थे उनको चाड़िया बोलते थे। उसमें एक उत्तम चाड़िया था जो एक वक्त घूमते घूमते इस विस्तार में आया और वहाँ पे बाटवाड़ा बोलते हैं, वो बाटवाड़ा पे आया। वहाँ पे कुआ था, कुएं में हरिसिंह बारोट की धर्मपत्नी सदुबा, वो रुक रुक का अंबार थी, तो उनको देखा तो उनका रुख देखकर वो अचंभित हो गया और उसने आगे जाकर पेशवा को बोला कि हरि सिंह के घर उनकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर है और वो रूप सुंदरी आपकी महल की शोभा बन सकती है। तो पेशवा ने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा, भादरवी चौथ को कहा कि सदु माता को कचहरी में हाजिर करो, ये फरमान भेजा। फरमान भेजा तो सिपाही आए और बोला कि भादरवी चौथ को कचहरी में सदु माता को सदुबा को हाजिर करो तुम। तो उनके पति हरि सिंह ने ना बोला तो वहाँ पर पेशवाई सिपाही और बारोट के बीच छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्ष कुंवारी हुई, दोनों पक्ष में मरे। तब जब सदुबा को इस बात का पता चला तो वो दौड़ते हुए चौक में आई और वहाँ उनको सत चढ़ा। इसलिए उन्होंने पहले अपनी जो बच्ची थी छोटी 5 साल की उसको फेंका
और वो पुल का ढगला बन गई। उनकी देवी आज भी मंदिर में है और वहाँ से उनको पता चला जब कि अमुक बारह पुरुष साड़ी पहन के घर में चले गए सिपाहियों से बचने के लिए, तो उन्होंने श्राप दिया कि किसी बारूद का वंश किला अभी आगे ना बढ़े, ऐसा श्राप दिया, मतलब कोई वंश न रहे उनका, ऐसा बोला, ऐसा श्राप दिया। और फिर बोला, अपने पति को बोला कि आप पेशवा की कचहरी में हाजिर होना या इनके सिपाही से मरण मृत्यु पामना, इससे तो अच्छा है कि आप मेरा शिरच्छेद कर दो। तो उन्होंने हरि सिंह ने कचवाते मन से उन पर तलवार का वार किया, लेकिन पूरा वार नहीं गया, उनका मस्तक आधा लटका रहा। फिर उनके भाणेज ने वार किया और मस्तक धड़ से अलग कर दिया। फिर वहाँ सब बारोटों ने मिलके वहाँ माता जी की देरी चलवाई और फिर 100 साल तक जब सब बारोट का वंश घटने लगा, किसी का वंश रहता नहीं था, वंश कम होने लगा, तब सब बारोट घबराए और माता जी से प्रार्थना की कि हे माँ, अगर हमारा वंश विलाप आगे बढ़ाओ तो हम आशोवध की आठम को भवाई का नाटक बजवेंगे स्त्री का वेश धारण करके, और स्त्री का वेश धारण करके आठम को हम घर भी गाएंगे आपके चौक में, मंदिर के चौक में। तो वहाँ से फिर तब से फिर बारोट का वंश विला बढ़ने लगा आगे, और ये परंपरा 200 साल के बाद भी हम बारोट समाज निभाते हैं। आज भी स्त्री का वेश धारण करके आशोवध आठम को हम माता जी के मंदिर के चौक में घर भी गाते हैं, और आज तो अलग अलग नाटी के भी आते और वहाँ पे बाधा रखते हैं स्त्री का वेश धारण करने की, उनकी सर्व मनोकामना शनि माता सती माता पूर्ण करती है, और आज भी ये परंपरा हमारी चालू है।